एगो बुढ़िया माई रहली तो बचपने से लड्डू गोपाल के पूजा करत रहली और वृंदावन जास आ लड्डू गोपाल के पूजा कर हरेक साल जास आ हरेक साल माने पूजा करे से जास तो उनको छोटा चुका से करत करत माने उनका शादी उनकर हो गल उनका दूगो लड़का हो गल लड़का के शादी ब्याह हो गल नात नतकुर हो गल तो बूढ़ियो के माने बुढ़ापा जब आ गल तो कहली कि अब जाए ना सके तो लास्ट समय जब गईली लास्ट तो ओजा से एगो लड्डू गोपाल के कृष्ण भगवान के एगो मूर्ति लेके अली मूर्ति के बहुत सेवा करस सुतला से उठ के उंगरा के नहवावस खियावस माने अपना जगह छोटा चुका लड़का के आदमी दुलार प्यार करेला खियावेला रखेला वही माने बुढ़िया माई करस। अब एक दिन अचानक बुढ़िया माई के तबीयत खराब हो गए तो अपना बेटा पतोह से कहली आ वह दिन कृष्ण भगवान के जन्मदिन रहे लड्डू गोपाल के कहली ये लड्डू गोपाल के आज के जन्मदिन में नया कपड़ा माने नहवा धोवा के पहना दलो आय माने इंकरा के पूजा उजा कर दलो भोग उग लगा दो तो उनका बेटा पतो होते माने नहवावत रहे कपड़ा पर बदलत रहे तर अचानक वो लोग के हाथ में से मूर्ति छूट के नीचे गिर गए। अब बुढ़िया माई तो रही माने दूसरा रूम में उनका तबियत खराब रहे तो सुत रही जैसे मूर्ति गिरल तैसे बुढ़िया माई के काली करेज में धराक दे लागल कहतारी कि हमार माने छोटा बच्चा गिर गल लड्डू गोपाल गिर गल चोट लाग गल माने खूब रोवस चिल्ला से आ पूछल के बेटा पतो का भइल का गिरल है तो कहलक लो कुछ ना भइल माँ थोड़ा से माने मूर्ति हाथ में से बिछिल गल वही गिर गल है तो बुढ़िया माई तो एकदम खूब रोए लगली कहस कि माने चोट लाग गल लड्डू गोपाल के डॉक्टर बुलाओ देखाओ सुई दवा कराओ अब लगली खूब रोवे तो उनकर बेटा पतोह तो एकदम परेशान हो गए कहे कि पत्थर के मूर्ति के चोट लगे ला कहीं आ ओकरा माने दवा सुई हुई माने लोग कहे अगल बगल के लोग भी कहे कि बुढ़िया पागल हो गल बुढ़िया पागल हो गल आ खूब माने चिल्ला से रोवस कि माने डॉक्टर बुलाओ इलाज कराओ तो वही पड़ोस में एगो आदमी बूढ़ आदमी रहे वो बहुत समझदार रहे तो उनका बेटा पतोह से कहल कि सुना तू जा डॉक्टर के बुला लिए वो डॉक्टर के ओनिए फीस दे दी हो आ माने सब कहानी बता दी हो कि अपन आल्हा ले चलस आ माने लड्डू गोपाल के चेक करस कि माने तारा माँ के संतोष हो जाए कि कहीं चोट लागल बा कि नहीं लागल तो बेटा माने बात मनलक बूढ़ पुराने बूढ़ आदमी के आ गोयल डॉक्टर साहब के बुला लिए लन डॉक्टर साहब के फीस दे दिलन अब डॉक्टर साहब हाथ के नटिका देख तरन तो कह तरन कि ना सब ठीक बा तो बुढ़िया माई तेहू पर विश्वास नहीं कर तो बुढ़िया माई कह तरी कि ना तू आल्हा लगाओ आल्हा लगा के आ तब तू देख तो डॉक्टर साहब का कैलन अपन आल्हा कललन छाती पर मैंने ठेकलन आ ठेका के आ जब अपना कान में सुन तरन तो मने सांस चलता वो मूर्ति में से सांस चलता तो डॉक्टर साहब तो एकदम अचकित हो गलन कि हे पत्थर के मूर्ति में सांस चलता वे आई हमरा सुनाता कान में तो डॉक्टर साहब तो वही जब मने एकदम अपन पेटी आल्हा मने वही जब फेंक दिलन वही जब मने पैसा जन फीस ले ले रहलन तो फीसो मने धा दिलन कह तरन कि आज से अब हम डकडोरी ना करें अब हम भी लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के अब हम पूजा करें भक्त करें अतना दिन तो हम डकडोरी कैनी बाकी हमरा कुछ अनुभव ना भइल बाकी आज हम लड्डू गोपाल के चेक कैनी हँ तो हमरा अनुभव हो गल कि लड्डू गोपाल के सचमुच भगवान बारन वही जा डॉक्टर साहब अपन आल्हा आ पेटी छोड़ दिलन फीस छोड़ दिलन आ वही जी से वृंदावन चल गलन आ लड्डू गोपाल के लगलन सेवा करे। यही जा कथा समाप्त कथा अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब करें।